हरियाणा में आए दिन जमीन अधिग्रहण के मामले लगातार देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल जिले से देखने को मिला है, जहां दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं के मामले में विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। बता दें, अधिग्रहण के मामले की जानकारी मिलने के साथ ही जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इससे पहले इसी मामले में SDM कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, जबकि SDM जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मांग नंबर 35 उपायुक्त महोदय पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में अनियमितता के रोड के संबंध में थाना पे प्राप्त हुआ, जिसमें धारा 420-120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है। और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आपदा इंक्वायरी डीसी साहब दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांव की जमीन अधिग्रहण की गई थी। गांव असावटी, जटोला, मैदापुर, प्रथला में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का अवार्ड भी घोषित कर दिया गया था। बता दें कि रेलवे की पॉलिसी के अनुसार जिस किसान की जमीन अधिग्रहित हुई उससे सरकारी नौकरी या 5 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाने थे, लेकिन लाभ लेने के लिए 6 से 30 गज के जमीनी टुकड़ों में की गई रजिस्ट्रियों में करीब 400 लोग शामिल कर दिए गए, जबकि करीब 100 गज जमीन के लिए 400 मालिकों को 22.5 करोड़ रुपए का अवार्ड घोषित किया गया था। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी धनराशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई।